नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमेरिकी, आप सभी को नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से जो है आप अपनी बाइक की लाइफ लंबे टाइम तक बरकरार रख सकते हैं। आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस एक वीक में जो है वन डे आपको सिर्फ निकालना है और उसमें जो है 5 मिनट आपको अपनी बाइक को अच्छे तरीके से देखना है। आपको उसमें देखना क्या है जो कि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपकी बाइक की लाइफ जो है बढ़ जाती है, नहीं इंजन में किस तरह का प्रॉब्लम आपको होगा। तो चलिए बगैर देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना। तो सप्ताह में एक दिन आपको करना क्या है कि आपको अपनी बाइक को डबल स्टैंड पर खड़ी करने के बाद जो है इस तरीके से टायर को चेक करनी है कि कहीं जो है आपकी टायर में कुछ लगा हुआ तो नहीं, कहीं से टायर जो है कटा फटा तो नहीं। अगर ट्यूबलेस टायर आपकी है तो इसमें अगर काटी भी अगर फंसा रह जाता है तो जो है धीरे धीरे करके उससे आपकी हवा जो है लीक होने लगती है और आपको पता भी नहीं चलता, आगे जाकर जो पंचर हो जाती है और आपको जो है फिर प्रॉब्लम देती है। तो वीक में जो है आप एक दिन जो है इसे चेक जरूर कर लें। इसके बाद आ जाते हैं इंजन की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी गाड़ी के लिए है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि कहीं से जो है इंजन लीकेज तो नहीं है, कहीं से जो है आपका इंजन ऑयल लीक तो नहीं हो रहा है। इंजन पूरा सूखा होना ज़रूरी है, अगर इंजन सूखा हुआ नहीं रहता तो आप जो है जाकर मैकेनिक को ज़रूर दिखाएं। पूरा इंजन जो है सूखा होना चाहिए, कहीं से जो है इंजन ऑयल जो है आपको दिखनी नहीं चाहिए। अच्छे तरीके से जो है पूरा इंजन साफ एंड क्लीन होना चाहिए, हेल्दी इंजन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंजन ऑयल कहीं से लीकेज है या कुछ है तो आप उसे जाकर दिखवा लें, हो सकता है उसकी पैकिंग लीक हो गई हो, पैकिंग ख़राब हो गई हो, या हो सकता है कोई बोल्ट जो है वो ढीला हो गया हो, तो उसे आप ज़रूर टाइट करवा लें। अगर इस चीज़ पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो जो है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी समस्या में वो बदल जाएगी, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। इस तरीके से जो है आपकी इंजन जो है पूरी साफ होनी चाहिए, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। कहीं भी जो है इंजन ऑयल लगी हुई नहीं होने चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे से, यहाँ से जो है इंजन ऑयल आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से थोड़ी लीकेज वगैरह है, बट ये सूखी हुई है, पहले की है, ये बनाने के बाद जो है ये पहले की है। इसी तरीके की इंजन होनी चाहिए जो कि आपकी बाइक की लाइफ बढ़ाती है, क्योंकि गाड़ी में सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है वो आपकी इंजन होती है। अगर इंजन हेल्दी है तो आपकी बाइक भी हेल्दी रहेगी और इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप सप्ताह में जो है अपनी बाइक की इंजन को चारों तरफ से चेक ही कर रहे हैं, तो साथ ही साथ जो है आप इस कैप को खोलकर ये भी चेक कर लें कि आपका जो इंजन ऑयल है वो कम तो नहीं हो रहा है, लेवल में है या नहीं। सभी गाड़ी की अलग अलग इंजन ऑयल की लेवलिंग होती है, वो अपने गाड़ी के अनुसार जो है आप उसे चेक जरूर करें। चौथे नंबर में बात करते हैं कि आपको अपनी बाइक में पूरी चेसिस को चेक करना है कि कहीं से वो जंग तो नहीं लग रही है। अगर जंग लग रही है तो आपको जो है उसे पेंट करवाना चाहिए, जिससे कि उसकी लाइफ जो है आपके चेसिस की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तो आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि कहीं से आपकी बाइक में जो है डेंट वगैरह या जो है जंग तो लग नहीं रहा है, अगर लग रहा है तो उसे आप ज़रूर ठीक करवा लें, जिससे कि आपकी बाइक की लाइफ जो है बढ़ जाएगी। इसके बाद आपको जो है सॉकर पर ध्यान देना है, सॉकर आपका क्लीन होना चाहिए, कहीं से लीकेज होना नहीं चाहिए। अगर ऑयल लीकेज है तो इसे आप बनवा लें, रियर हो या फ्रंट हो दोनों को आपको चेक करना एकदम ज़रूरी है। अगर दोनों ठीक रहता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि इससे ऑयल लीकेज है तो आप जो है उसे बनवा लें। इसके बाद बात करते हैं रियर व्हील की, रियर व्हील में भी जो है आपको सेम उसी तरीके से चेक करनी है कि बाइक के जो टायर में है कोई कांटे वगैरह या कहीं से कट तो नहीं लगा हुआ है, वो आपको देख लेनी है, जिससे कि जो है आपकी रियर जो व्हील की लाइफ है वो बढ़ जाती है। अगर पीछे आ गए हैं तो साथ साथ ये भी आप चेक कर लें कि इससे जो है किसी तरीके का ऑयल तो नहीं आ रहा, अगर ऑयल आ रहा है तो जो है आपको अपनी बाइक की काम जो है करवानी पड़ सकती है। इससे आपको जो है खतरा, आप इससे भाप सकते हैं कि आपकी इंजन जो है कितनी स्ट्रांग है, कितनी अच्छी है और उसका काम करवाना है या नहीं, इससे भी आपको पता चल जाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं चैन की, चैन को आपको इस तरीके से चेक कर लेनी है कि जो है आपकी चैन सूखी हुई तो नहीं। अगर बाइक की चैन अगर सूखी रहती है
तो आपको पिकअप नहीं देगी, साथ ही साथ आपकी जो चेन की लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप जो है इसे लुब्रिकेट करवा लें, जो कि आप अपने घरों में भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा ये काम नहीं होता है। तो जो है चेन को भी आप चेक ज़रूर कर लें। अब बात कर लेते हैं बाइक की इलेक्ट्रिकल पार्ट, जैसे कि साइड इंडिकेटर हो गए, आपकी हेडलाइट हो गई, टेल लाइट हो गई, सबको आपको चेक कर लेनी है कि ठीक तरीके से प्रॉपर तरीके से काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि ड्राइव करते वक्त जो है हम आगे की तरफ ड्राइव करते हैं, पीछे की जो टेल लाइट होती है या पीछे की जो साइड इंडिकेटर्स होते हैं हमें पता नहीं चलता है वो जल रही है या नहीं जल रही है, या वो फ्यूज है या जो है वायर कटा हुआ, ये पता नहीं होता है। तो इसे भी आप ज़रूर एक बार चेक कर लें। इसी के साथ साथ आपको अपनी बैटरी को भी चेक करनी है कि बैटरी आपकी ठीक है या नहीं है, बैटरी ठीक तरीके से चार्ज उठा रही है, उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।